हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। अगर आप लोग किसी बॉलीवुड मूवी को छोड़ के कोई एक हॉलीवुड मूवी देखे तो कुछ तो बात होगी ऐसा। लेकिन सीरियसली, इस पर्टिकुलर मूवी को देखने से पहले बहुत सारे रिव्यूज चेक कर लेना, उसके बाद ही टिकट बुक कर लेना। और अगर आपने फिर भी टिकट बुक की है तो समझ लेना कि आप एक एमसीयू मूवी लवर हो, जैसे कि मैं हूँ। खैर, मैं गया था इटरनल मूवीज को बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन को लेकर, लेकिन मूवी के दौरान मुझे काफी हद तक यकीन मानो, ये वो पहली एमसीयू मूवी है जिसमें मुझे नींद आ रही थी। अब आप लोग अंदाजा लगा लो मूवी किस तरह की होगी। खैर, इटरनल्स के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूशन इस मूवी में किया गया, इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग। मुझे इस पर्टिकुलर मूवी की तीन चीज अच्छी लगी है। पहले तो एंजेलिना जोली का कॉस्ट्यूम, दूसरा कुमार नंजियानी और डॉन ली के कुछ कॉमिक सीन्स, एंड थर्ड कैरिस। बस उसके अलावा इस पर्टिकुलर मूवी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि साला इन लोगों ने इटरनल्स मूवी बनाई क्यों, लेकिन जहां पर ये मूवी खत्म हुई है वहां पर से ऐसा लगता है कि ये सेकेंड पार्ट में कुछ तो ऐसा भयानक होने वाला है जो शायद हमें अच्छा लगे। खैर, मैं आपको अब थोड़ी सी प्लॉट बताया था कि सेलेस्टियल्स, जिन लोगों ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, उन्होंने सन को भी क्रिएट किया, लेकिन अर्थ पर जहाँ पर इंसान रहते, जो मतलब एकदम पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ, मतलब वो डेवलप इंसान है जो अब हुए, वो एकदम पहले जो शिकार करते थे वो वगैरह वगैरह, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो उनको कुछ डेवियंट्स यानी कि एक तरह के क्रिएचर्स लोग खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सेलेस्टियल्स है, उन लोग ने ओलंपिया प्लैनेट से कुछ इटर्नल्स को लेके आया। और इन इटर्नल्स की जो हेड है उसका नाम है एजेक, जो सलमा हायेक जिस पर्टिकुलर रोल को प्ले कर रही है। खैर, वो किसी तरह से ह्यूमंस को उस डेवियंट से बचा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं काफी हजार सालों बाद, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। देखो, मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी, हर एक फ्रेम को बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है, VFX बहुत बढ़िया और एक्शन सीन्स भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो इस मूवी का प्लॉट है, जिस तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए था वैसा एग्जीक्यूशन है नहीं। और इतने सारे सुपर हीरोज की टीम इस पर्टिकुलर मूवी में बताई है, लेकिन यकीन मानो कोई भी ऐसा सुपर हीरो या कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको आप लोग पसंद कर पाए, जिसका आप पूरी तरह से दीवाने हो जाओ। एमसीयू के अगर हम लोग पुराने हीरोज की बात करें, जैसे कि आपने आयरन मैन, हल्क की बात करें, थॉर की बात करें, ब्लैक विडो की बात करें, स्कारलेट विच की बात करें, कैप्टन अमेरिका की बात करें, एंट मैन की बात करें, तो ये एक ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम लोग इजीली प्यार करने लगे, यही सारी वजह से आज ये कैरेक्टर्स इतने महान हो गए। लेकिन अगर इटर्नल्स के एक भी कैरेक्टर को देखोगे तो कोई भी उस तरह से बताया ही नहीं गया, प्रेजेंट ही नहीं गया, जिससे आप लोग इजीली कनेक्ट हो पाओ। और यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, मूवी का BGM अच्छा है लेकिन ओवरऑल राइटिंग और स्क्रीन प्ले बहुत ही बकवास है। कुछ कैरेक्टर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिए और कुछ कैरेक्टर को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिए, और मूवी के जो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी है उस पर भी ज़्यादा कुछ खास फोकस नहीं किया, और जो सब प्लॉट्स है उस पर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो इस वजह से मूवी मतलब देखते दौरान आपको काफ़ी हद तक बोर करती है और नींद आती है। मूवी की एंडिंग भी मुझे ठीक ठाक लगी। खैर, अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर और राइटर की चूक बोलूँगा मैं, जो उन एक्टर्स को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए। हालांकि क्या बोलूँ मैं, ये सारे एक्टर्स इस तरह की सुपर हीरो मूवीज के लिए बने ही नहीं है, जैसे कि मेरी पर्सनली सोच बता रही है। खैर, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर इटरनल्स मत जाना। अगर मेरे रिव्यूज पे ज़रा भी भरोसा है तो भाई आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को स्किप कर दो, लिटरली स्किप कर दो, उसके सेकंड पार्ट का वेट करो। और सॉरी भाई, MCU के फैंस लोग बहुत जमकर गाली देंगे, दे दो, या तो पहले खुद जाके देखो फिर उसके बाद गाली दे देना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6/10। और हाँ, पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में ज्यादा अश्लील सीन्स तो नहीं, हाँ किसिंग सीन है, आपको जाकर देखना तो जाकर जरूर देखना। तो यार, बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सूर्यवंशी का रिव्यू करेंगे।